हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1.15 में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है और आई पे चलकर जा रहा है। समझ लेते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे 3×10⁻³ न्यूटन पर कूलम और आई कैप पे जा रहा है। फर्स्ट के लिए बोलता है व्हाट इज द फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मांगा है बच्चों इसने थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, और उसका खुद का प्लेन कहाँ पे होना चाहिए, वाई जेड प्लेन पे होना चाहिए। तो मान लो ये वाई लिखा है, जेड लिखा है, इस तरह का एक स्क्वायर रखा होगा जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, राइट। आप ध्यान दो कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई भी एक एरिया दिया जाता है बच्चों, तो उसका जो वेक्टर होता है कैप, जिसको अपन नॉर्मल कहते हैं, वो उससे परपेंडिकुलर होता है। सेम फिनोमिना यहाँ लगा लोगे तो जो यूनिट कैप होगा, मतलब एस का जो वेक्टर होगा, वो इसके साथ जा रहा होगा। इसका मीनिंग है थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर फ्लक्स सॉल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये खुद तो स्केलर है और फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर, जो होता है ई एस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। दोनों के मैग्नीट्यूड लिख लो आप, ई तो अपन को पता है, एस के बारे में बात कर लेते हैं। साइड की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो एस हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, विच शुड बी 0.1×0.1, ठीक है। यहां लगा देते हैं अपन आंसर में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना फर्स्ट पार्ट के लिए मिल जाएगा। ई का टर्म है बच्चों 3×10⁻³, एस के लिए हो जाएगा 0.1×0.1 और कॉस 0, यहां पर ने मेंशन किया हुआ है कॉस 0 होता है 1, इससे ये दो चले जाएंगे, आंसर मिलेगा अपन को 30 Nm² per कूलम, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया है। ये फर्स्ट पार्ट का बच्चों आपका आंसर होगा जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। बी के लिए सॉल्व करते हैं, कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, है ना, और इसका जो प्लेन है आप 60 डिग्री बनाए, दैट मीन्स को अपन थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो 60 डिग्री बनाने लग जाएगा। तो एक का तो अपन ने सॉल्व किया हुआ है बच्चों, बी के लिए समझ लेते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह पे बस आ जाएगा 60 डिग्री, और फिर अपन फ्लक्स नया वाला चेक करेंगे तो वो भी हो जाएगा बच्चों ई एस कॉस थीटा। तो ये तो गिवन वैल्यूज हैं, और नया जो एंगल है वो हो जाएगा ये वाला कॉस थीटा का टर्म। तो ई की जगह लिख लो आप 3×10⁻³, और एस का टर्म हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा ना इसका, 0.1×0.1, और कॉस 60 होता है 1/2, ये 30 आ रहा था, ये हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 15 Nm² per कूलम, और ये हो गया आपका सेकेंड केस का फ्लक्स। दो बार पूछा है इसने, एक बार बोला है सीधा सीधा स्क्वायर से निकाल दो, और जो कि परपेंडिकुलर रखा हो तो उसका जो वेक्टर होगा वो पैरेलल हो जाएगा। कहने का मतलब है एरिया अगर यहाँ आ रहा है तो वेक्टर ये जा रहा होगा बच्चों, और दोनों के डायरेक्शन सेम हो गए तो थीटा कितना आ गया था हमारा, थीटा आ गया था 0 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए ये आंसर हो गया, सेकंड के लिए ये आंसर हो गया, और ए और बी हमारे दोनों सॉल्व हो गए। ओके स्टूडेंट्स।